जरूरी है कि आप उसको ट्रेनिंग में आके सीखें निश्चित समय पे 5 से 6:30 और 8:30 से 9:30 तक। जितनी भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो रोज की रोज वही मिल जाएंगी, जो आपको जितने भी चीजें करनी है जितने इम्प्रूवमेंट्स करने हैं वो पता लग जाएंगे, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपकी कार्यकलाप और टीम को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें यहाँ पता चलती रहेंगी, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सारे कार्यक्रम जो है इस तरीके से चल रहे हैं। बाकी जब ये ऑफर जब खत्म होगी उसके बाद के बारे में, जब शेयर्स भी खत्म हो चुके होंगे तो उसके बाद की जो जॉइनिंग्स होंगी उसमें जो केवाईसी के चार्जेस हैं वो 18 यूरो से बढ़ के 20 यूरो किए जाएंगे। ऑलरेडी हो चुका है इस ऑफर के बाद, जो आपके नए रजिस्ट्रेशन या पुरानी आईडी को बाद में केवाईसी कराना चाहेंगे तो वो 20 यूरो में होगी। दूसरी चीज, शेयर्स उस समय खत्म हो चुके होंगे तो आपको कोई भी शेयर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अभी इस समय अगर आपने इसका लाभ नहीं उठाया तो बाद में सिवाय शिकायत करने और अफसोस करने के कुछ हासिल नहीं होगा। बाकी रही प्लान की बात, और ये इसमें कितना मैक्सिमम अच्छा सा अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, टीम को मैक्सिमम कैसे मोबिलाइज, मेरे काबिल मित्र विजय राठौर जी आपको देंगे, उनके बेहतरीन प्रेजेंटेशन को देखिए सुनिए, आपको लगेगा कि आंख बंद करके देखिए कि अरे बिल्कुल मेरे आंखों के सामने घटित हो रहा है, इतना बारीकी और इतना खूबसूरती से वो समझाते हैं। तो मैं सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा चंदन सर को, वो कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे तरीके से आप गाइड किए लोगों को, लोग आपको धन्यवाद बोल रहे हैं सर, उनका धन्यवाद स्वीकार कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हमारे ग्रेट टीचर विजय राठौर सर को आप लोग ध्यान से सुनिए कि 300 यूरो के पैकेज में क्या फायदे हैं, एड इनकम से क्या फायदे हैं, स्पॉन्सरिंग से क्या फायदे हैं, लेवल से क्या फायदे हैं, ये सब चीजें बड़ी गहराई से सर बताएंगे। अगर उनकी बात आप सुन के यहां से गए ना तो आपको शायद किसी को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो लोग लास्ट में आए हुए हैं ओटीपी के रिलेटेड अभी भी मैसेज कर रहे हैं, मैं उनको लास्ट में बताऊंगा कि ओटीपी जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अभी तक इतने बढ़िया तरीके से आलोक सर बताया कि ओटीपी क्यों आ रहा है, उसको जाके अपने मोबाइल को अपडेट कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में जाके उसको अपग्रेड कीजिए। यहाँ स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ वो हार्ड वर्क नहीं करना है। तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए, आप शायद फोन करेंगे तो इस 2 तारीख तक आपका कोई फोन अटेंड नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा कि आप अपने ऑफलाइन से मिलिए, आप अपना जाके कार्ड को ओपन कराइए। चलिए उसके रिलेटेड हम बाद में बताएंगे, पहले आप प्लान ध्यान से सुन लीजिए। बीए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर। थैंक यू। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत बढ़िया प्लान आपने लिया और बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी, केवाईसी वाउचर और सारे चीज के बारे में। अभी देखिए यहाँ पे काफी लोग नए हैं और नए लोगों के साथ में मैं बात करना चाहूंगा। जो भी बातें अभी रखी गई है वो करंट रिलेटेड टॉपिक से जुड़ी हुई है, और इसकी जो नए बंदे है प्रेजेंटेशन खत्म करूंगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यूके बेस पे, यूके में लंदन में 1 कैनेडा स्क्वायर ये जो बिल्डिंग है इसमें इसका ऑफिस आने वाले दिनों में कंपनी लिस्टेड भी हो जाएगी, यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी नहीं है। कंपनी बेसिकली जो वर्क करती है वो सोशल गैदरिंग से रिलेटेड है, क्लब सिस्टम और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना ये इनका काम है। वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में ये अपना खुद का क्लब खोलना चाहती है। क्लब इन द सेंस इंडिया में जैसे होता है कंट्री क्लब और महिंद्रा क्लब, जैसे हम लोग को पता है 5 लाख से 50 लाख तक इसकी ईयरली सालाना फीस होती है और इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। ऐसे क्लब वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में कंपनी खोलना चाहती है, इसीलिए कंपनी पब्लिक लिस्टेड है। आने वाले दिनों में शेयर मार्केट के जरिए बहुत सारा कैपिटल इकट्ठा करके हर कंट्री में, इंडिया है नंबर 1, मतलब पहले जो कंट्री हो वो इंडिया में क्लब खोला जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग आज इंडिया से हो रही है।
क्योंकि यूरो का जो रेट है वो रेट इंडिया में ज्यादा फ्लक्चुएट होता है और पॉपुलेशन भी इंडिया में ज्यादा है और बेरोजगारी भी उसके हिसाब से सबसे ज्यादा है और लॉकडाउन के चलते सारा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग कर रहे हैं। पहले तो मैं शुरुआत करूंगा कि सर आपको क्यों करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कोविड पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन पीरियड है, अभी करीबन 40% से भी ज्यादा लोगों की सैलरी जा चुकी है, जॉब जा चुकी है और जिनकी जॉब अभी अवेलेबल है उसमें भी 50% से भी ज्यादा कटौती है, काफी लोगों को दो दो तीन तीन महीने से सैलरी मिली नहीं है। तो ऐसे माहौल में आज एक एक्स्ट्रा इनकम करना बहुत जरूरी सबके लिए बन जाता है और कोविड 19 में आप बाहर जाके कोई दूसरा एक्स्ट्रा जॉब नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक लॉकडाउन चलेगा उस लॉकडाउन पीरियड में पता नहीं और कितना दिन चलेगा, लेकिन एक अनुमान है कि अगले 2 से 2.5 साल तक ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा। आने वाले कुछ दिनों में काफी कंट्री ऐसी है जो फिर से लॉकडाउन करने की सोच रही है क्योंकि ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है इसीलिए। तो ऐसे माहौल में महंगाई देखिए आप कितनी बढ़ गई है, आसमान छू रही है, और इस महंगाई की लकीर को छोटी करना है तो आपकी इनकम को बड़ा करना होगा। जैसे अकबर बीरबल की कहानी थी जिसमें अकबर बीरबल से अपनी एक लकीर छोटी सी बना के बोलते हैं कि मैं इस लकीर को बिना हाथ लगाए आप छोटी कर दीजिए, तो बीरबल ने उसके बाजू में एक बड़ी लकीर बना दी बिना अकबर की। इनकम की लकीर बड़ी करनी होगी ताकि महंगाई हमें सस्ती लगने लगे, ठीक है। तो यही चीज है, यही कारण है कि हमें ये प्लेटफॉर्म करना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी का हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि आपको 2-3 महीने आपने उसमें काम किया थोड़े बहुत इनकम हुई और फिर कंपनी अचानक कभी बंद हो गई, ठीक है। ये इंटरनेशनल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड इसका डंका बजेगा और 200 से भी ज्यादा कंट्री में एक साथ में रजिस्ट्रेशन कर रही है, ठीक है। उसके साथ में आपको कोई भी एक रुपये भी आपसे न लेते हुए कंपनी आपको हर महीने करीबन पैसिव इनकम जो भी घर खर्च के लिए चलता है वो आपको देने का वादा करती है। आगे बढ़ते हैं, कंपनी ने इसके लिए एडवर्टाइजमेंट का माध्यम चुना है, कंपनी खुद एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जरिए आपको एड दिखाएगी और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी आपको एड देखने के लिए पेमेंट करेगी। अभी सबसे पहला मसला है कि एडवर्टाइजमेंट किस तरह से देगी, क्योंकि बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट कंपनी आई और गई तो ये कंपनी लॉन्ग टाइम चलेगी और ज्यादातर चलेगी एक किस तरह से आप कह सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अब तक जितनी भी कंपनी आई वो गूगल एडसेंस पे डिपेंड थी, वहां से आपको एड दिखाए जा रहे थे और आपसे जो रजिस्ट्रेशन के जरिए अमाउंट ली जाती थी उसी की मनी रोलिंग करके आपको पेमेंट किया जाता था। और जब एडसेंस के बारे में गूगल को पता चलता था कि ये फेक ट्राफिक या गलत ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है तो उस वेबसाइट को गूगल बंद कर देती थी, बैन कर देती थी और वो कंपनी ऑटोमेटिकली बंद हो जाती थी। इसी वजह से हमारा काफी नुकसान होता था, हमारे लोगों का नुकसान होता था जो इस कंपनी में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो एड आपको दिखाई जा रही है वो जेन्युइन एड है, क्योंकि एड देने वाली कंपनियां बड़ी बड़ी होती है, वर्ल्ड वाइड में करीबन बहुत सारी कंपनियां हैं और सिंगापुर, यूएसए, यूएस और यूके, ये 3 जो कंट्री है वो हब है एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों की। और ऐसे ही काफी एजेंसियों के साथ में कंपनी ने टाइप किया है और उन्हें कहा है कि आप हमारे लोगों को डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के जरिए मोबाइल पे ऐड दिखाइए और सारे के सारे ऐड देखेंगे और आप उनको पेमेंट कीजिए, क्योंकि आज टीवी में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा होता है ऐड दिखने के लिए, लेकिन जैसे ही ऐड आती है तो हम चैनल चेंज कर देते हैं तो उस कंपनी को, उस ब्रांड को कोई फायदा होता है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एक सर्वे है जिसके तरीके से वर्ल्ड वाइड 90% से भी ज्यादा डेड एक्सपेंसेस माना गया है इसको, जो एडवर्टाइजमेंट टीवी पे या अदर जगह पे होती है, क्योंकि इससे कोई पता नहीं चलता कि इस एड देखने के बाद में कितने लोगों ने खरीदी करी और कितना प्रॉफिट हुआ। हाँ, ये चीज जरूर है कि सेटअप बॉक्स के जरिए आपको पता चलता है कि कितने टीवी ऑन थे जब आपका एड चलता था, लेकिन कितने लोगों ने ऐड देखा और कितने लोगों ने खरीदारी की इसके बारे में कोई ब्यूरो नहीं होता है। इसीलिए कंपनी यहाँ पे एक ऐसा जरिया लेके आई है कि
वर्ल्ड वाइड पिछले 100 साल में देखेंगे तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट का तरीका चेंज हुआ है, बहुत सारा तरीका चेंज हुआ है और आने वाले दिनों में भी चेंज होगा। यानी कि माध्यम चेंज हुआ है लेकिन एडवर्टाइजमेंट देना बंद नहीं हुआ है। एक कोलगेट जैसी जो एड है जो छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को पता है, फिर भी वो एड वो कोलगेट कंपनी वर्ल्ड वाइड उसका जो भी टर्नओवर है उसका 15 से 30% तक का हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करता है। क्यों करता है? क्योंकि जैसा दिखता है वैसा बिकता है, जो कहावत है वो यहाँ पे लागू होती है। क्योंकि जब तक आप सामने आपके सामने कोलगेट ब्रांड आता रहेगा, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कोलगेट ब्रांड आप परचेस करोगे। एक साइकोलॉजी होती है कि एक ब्रांड आप जितनी बार ज्यादा देखोगे, भले आप परचेस करो या ना करो, लेकिन जब भी आज कल परसों कभी भी लाइफ में आपको फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़े इस प्रोडक्ट की, तो आपको वही ब्रांड आपको सामने आएगा जिस ब्रांड की एड आपने सबसे ज्यादा देखी है। तो यही साइकोलॉजी है जिसके जरिए ये एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, भले वो ब्रांडेड हो या अनब्रांडेड हो, लेकिन मार्केट में टिके रहने के लिए आपको दिखना जरूरी होता है। और यही तरीका होता है एडवर्टाइजमेंट का, ब्रांडिंग का। ये ब्रांडिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जरिए होती है और एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को पूरा अथॉरिटी होता है कि उसकी जो बजट है, उस ब्रांड की जो बजट है सालाना, उस बजट को किस तरह से यूज किया जाए, टीवी एड पे दिया जाए, सीरियल पे स्पॉन्सरशिप किया जाए, या क्रिकेट मैच या और कुछ है उस पे स्पॉन्सरशिप किया जाए, ये पूरा अथॉरिटी उनका होता है। क्योंकि जितनी अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट एजेंसी उस ब्रांड को प्रमोट करेगी और उस ब्रांड को प्रॉफिट होगा, वैसे ही सालाना हर साल इस एजेंसी को उस ब्रांड का कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेगा और प्रॉफिट बनते रहेगा। तो यही एजेंसियों के साथ में जाला स्टाइल में स्ट्राइक किया है और उनको कन्विंस किया है कि टीवी एड और सारी एड है उसमें आपको काउंटिंग नहीं मिलती, कोई अकाउंटेबल नहीं होती, अकाउंटेबल नहीं होता। तो यहाँ पे हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए जहाँ पे आप हमारे लोगों को एड दिखाइए, सारे के सारे एड देखेंगे, बाकायदा एड देखेंगे, आपको उसकी कैलकुलेशन मिलेगी कि आज मेरी एड इतने लोगों ने देखी है और उतने ही लोगों को आपको पेमेंट करना है। तो जो आपका डे का खर्चा हो रहा है उसमें करीबन 90% की डिस्काउंट मतलब कटौती हो सकती है और सिर्फ 10% में ही आपका इतने लोगों ने ऐड देखा वो हम लोग बता सकते हैं। और उतना खर्चा करने के बाद में कितना प्रॉफिट हुआ ये भी आपको पता चलेगा उस ब्रांड का मार्केटिंग के जरिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये एक कॉन्सेप्ट इनको बहुत अच्छा लगा और मोबाइल के जरिए आपको करना है और मोबाइल हर घर में कम से कम 4 से 5 मोबाइल होता है, 24 घंटे में से 16 घंटे मोबाइल हमारे हाथ में होता है और हमेशा हम इस मोबाइल का यूज करते रहते हैं। अगर इस मोबाइल के जरिए अगर आपको कोई इनकम मिल सकती है तो आप जरूर ऐड देखेंगे, और ऐड की इनकम मिल रही है इसलिए आप ऐड देखेंगे, ना कि स्किप करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे फेसबुक पे बहुत सारी ऐड आती है तो उसमें हम लोग स्किप कर देते हैं, कुछ 15 सेकंड 5 सेकंड रुकने के बाद में स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनकम मिलने वाला है तो आप 100% वो एड देखेंगे, एंड तक जरूर देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट का जरिया है, लाइफ टाइम चला रहेगा और चलते रहेगा। आवाज आ रही? हेलो जी सर, आ रही है? आ रही है ना? ओके ओके जी जी सर, मुझे लगा कट हो गया। ना आ रही है सर। तो आ रही ना? हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो लाइफ टाइम चलती रहेगी और जितने ज्यादा लोग इनकम लेंगे उतना ज्यादा लोगों को ज्वाइन करेंगे और उतना ज्यादा कंपनी में कंट्रीब्यूशन बढ़ते जाएगा और कंपनी का कारोबार बढ़ते जाएगा और उतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट एजेंसियों को फायदा होगा और ब्रांड को भी फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते कंपनी के प्लान के बारे में। कंपनी के 3 प्लान चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दे दूं तो आपको जिन्होंने यहाँ पे इनवाइट किए हैं उनसे आपको रेफरल लिंक मिली होगी, उस रेफरल लिंक पे आप क्लिक करके अपने आप को साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, साइन अप करने के लिए आपका नाम लिखना जरूरी है, यूजर आईडी भी बनाना जरूरी है, उसके बाद में रेफर कोड तो ऑलरेडी लिखा होगा, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिखा है तो आप अपने स्पॉन्सर से रेफर आईडी ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, कंट्री सिलेक्ट करने के बाद में आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको +91 लिखना बहुत जरूरी होता है। +91 लिखने के बाद में मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद में ईमेल डालने के टाइम परफेक्टली ईमेल डालिए, करंट ईमेल और कंफर्म ईमेल भी कीजिए, उसके बाद में पासवर्ड दीजिए, पासवर्ड के साथ में आपको कंफर्म पासवर्ड वापिस देना है, उसके बाद में टर्म्स एंड पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है, उसके बाद में साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद में आप
जब लॉग इन करोगे उस आईडी और पासवर्ड से, तो देखिए वहां पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक आएगी। अगर ईमेल वेरिफिकेशन के लिए लिंक आती है तो उस पर क्लिक करके आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल पे जाना है। वहां पे आपको जा लाइफस्टाइल से आपको लिंक मिलेगी एक, उस लिंक पे क्लिक करना है। मात्र लिंक पे क्लिक करने से आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद में जब भी आप लॉग इन करते हो तो लॉग इन करने पर आपको डैशबोर्ड आता है, मतलब ओवरव्यू पेज यहाँ पे बोलते हैं, तो वो आता है। उस पर आपको सारी इनकम की ब्यौरा मिलता है। पहला जो तीन इनकम है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। तीन इनकम में से दो इनकम जो है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको एक रुपया भी चेक देना नहीं है। तीसरी इनकम है वो पेड इनकम है, वो करना नहीं करना आपके हाथ में है, लेकिन अगर इनकम अच्छी हो तो करना अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली जो इनकम है और एड व्यू इनकम है, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करते हो तो आपको ओवरव्यू पेज पे 1000 यूरो ईयरली पोटेंशियल इनकम दिखता है। पोटेंशियल इनकम यानी क्या, कंपनी कहती है रजिस्ट्रेशन करते ही आपने हमारे साथ में आगे बढ़े हैं तो आपको 1000 यूरो हम आपको कमा के देंगे ईयरली, बस आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, कैसे, ना आप किसी ने को जोड़ेंगे ना कुछ करेंगे, लेकिन एक टास्क कंप्लीट करके आप 1000 यूरो ईयरली कमा सकते हैं। तो डेली आप कितना कमा सकते हो, डेली आप डिवाइडेड बाय 365 डेज करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो 2.74 यूरो आपको पर डे का इनकम मिलेगा। वो 2.74 यूरो लेने के लिए आपको करीब में 60 ऐड यानी कि 60 ऐड देखनी पड़ेगी, और 60 ऐड देखने के लिए कंपनी आपको 2.74 यूरो देगी। 60 ऐड देखने के लिए आपको करीबन 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट लग सकता है, लेकिन इंडियन नेटवर्क और लोगों की मेंटेलिटी के तौर पर ध्यान देते हुए अगले में आपको 2.74 यूरो यानी कि करीबन 230 रुपया आपको मिलते हैं आज के डेट में। ठीक है, एक दिन का 230 रुपया एक घंटे में, तो सोचिए महीने का 83 यूरो होता है, 83 यूरो का अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 7000 की इनकम होती है। इसी तरह से हर महीने आप ऐड की इनकम देख के, ऐड देख के आपको इनकम मिलेगी हर महीने 7000 ईयरली 1000 यूरो यानी कि करीबन 84-85000। ठीक है, ये होता है आपको फिक्स इनकम ईयर टू ईयर लाइफ लॉन्ग आपको मिलता रहेगा। सालाना कैलकुलेशन दिया गया है लेकिन ये लाइफ लॉन्ग आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एक घंटा 24 घंटे में से एक घंटे निकल के आपको ये ऐड देखना है। अभी दूसरा पार्ट आता है, अभी तक आपने देखा कि मैंने कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा कि एक रुपया इन्वेस्ट करना है या कुछ करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ ऐड देखना है और ऐड देखने के बाद में आपको विड्रॉ करना है, जो भी अमाउंट होते हैं मिनिमम विड्रॉ 100 यूरो होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म अच्छा लगा और आपको लगता है कि किसी को देना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए, आप जैसे बहुत सारे लोग आपके पहचान के हैं जिनको पार्ट टाइम या कुछ साइड बाय साइड इनकम करने की जरूरत है, आज इस माहौल में उनका घर में भी बहुत तकलीफ है और उनको इनकम की जरूरत है, तो आप अपने रेफर आईडी से उनको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। हमारी मीटिंग शाम को 5 से 5 बजे और शाम को 8:30 बजे दो टाइम होती है, तो आप उनको हमारे इस मीटिंग में बिठाइए, इस ट्रेनिंग में बिठाइए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे और यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ सकता है और आपको किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सारी जानकारी उनको मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी रेफर लिंक से जैसे आपने रजिस्टर किया था, आपके स्पॉन्सर लिंक से उसी तरह से उन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया, तो उनको भी वही चीज मिलेगी 1000 यूरो ईयरली पोटेंशियल इनकम, यानी कि कुछ भी न करते हुए मास्टर एक टास्क कंप्लीट करके छोटा सा वो 1000 यूरो ईयरली कमा सकते हैं। मतलब कि आपको जैसे 60 ऐड देखना है वैसे उनको भी देखना है, उनको भी 2.74 यूरो 230 रुपये पर डे मिलेंगे ऐड देखने के, महीने के 7000 और ईयरली 1000 यूरो यानी कि 85000 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, अभी आपको क्या मिलेगा, तो आपको ये वही चीज मिलेगा जो उनको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने किसी बंदे को ज्वाइन किया और उन्होंने ऐड देखी, उनको 2.74 यूरो मिले सेल्फ टास्क कंप्लीट करने के, तो उनको फॉलोअप देने वाले आप हो, उनसे ऐड शो करने वाले आप हो, उनको बताने वाले आप हो कि आपको आज ऐड देखने हैं, तो आपने कुछ मेहनत की है, तो इसके लिए कंपनी आपको उनकी इनकम का 100% आपको इनकम देती है, यानी कि 2.74 यूरो आपको भी एज ए रेफरल इनकम आपको मिलता है। यानी कि अगर महीने का उनको 7000 की इनकम मिलती है तो आपको भी उसकी 100% यानी कि 7000 की इनकम आपको भी मिलती है, यानी कि हर महीने उस बंदे से आपको 7000 की इनकम मिलेगी और आपकी खुद की टास्क कंप्लीट किया है उसका 7000 यानी कि 14000 की इनकम होती है, और 14000 की इनकम आपके घर के चलाने के लिए बहुत अच्छी हेल्दी इनकम हो सकती है।
अगर आपने तीन मंथों को भी अगर आपके रेफरल से ज्वाइन किया है तो उनसे आपको 7,000 यानी कि 21,000 की इनकम और आपकी खुद की 7,000 की इनकम यानी कि 28,000 की इनकम मात्र एक घंटा काम करके आपको मिल सकती है। इससे ज्यादा की जरूरत अगर आपको है तो 5 लोगों को ज्वाइन कीजिए, 5 लोगों को ज्वाइन करने पर हर मंथ से 7,000 यानी कि 35,000 और आपके खुद के 7,000 यानी कि 42,000 की इनकम आपको होती है। अगर आपकी जरूरत इससे भी ज्यादा है तो आप 10 लोगों को ज्वाइन कीजिए, 10 लोगों को ज्वाइन करने पे आपको हर बंदे से 7,000 यानी कि 70,000 की इनकम प्लस आपकी खुद की 7,000 की इनकम यानी कि 77,000 की इनकम आपको मिलती है हर महीने फिक्स होती है। देखिए एक मात्र एक घंटा काम करके आपको 77,000 की इनकम आपको मिल सकती है अगर 10 बंदे को आप ज्वाइन करते हैं। अगर लाख की आपकी आवश्यकता है, 1 लाख की आपकी इनकम होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आप 15 लोगों को ज्वाइन कीजिए, 15 लोगों से आपको 7,000 यानी कि 1,05,000 की आपको इनकम मिलेगी प्लस आपकी खुद की 7,000 की इनकम यानी कि 1,12,000 की आपकी इनकम होगी हर महीने की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1 लाख महीने का कमाना बहुत ही आसान है और इजी है, ना कोई वर्क करना है ना कुछ करना है, टास्क कंप्लीट करना है अपना और अपने लोगों का टास्क कंप्लीट करवाना है, बस उतना करने से आपको यहाँ पे इतनी सारी इनकम मिल सकती है। कोई ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं है दोस्तों, मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि आप किसी को जोड़ेंगे नहीं तो आपको आपकी 7,000 की इनकम नहीं मिलेगी, जी नहीं बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जरूरत सिर्फ 7,000 है और आप खुश हैं अपनी एड इनकम आपकी सेल्फ इनकम लेके 7,000 में आप खुश है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी न जुड़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इनकम लेना चाहते तो आप किसी न किसी को जोड़िए और आगे बढ़िए और इससे आपकी इनकम हर 7-7 गुना बढ़ती जाएगी, हर बंदे से 7-7 हज़ार तो उस हिसाब से आपकी बढ़ती जाएगी। करना न करना ये आपके हाथ में है, लेकिन आज की जरूरत है, डिमांड है और वर्ल्ड वाइड ये सारी डिमांड जो है सभी लोग, आप नहीं करोगे कोई और करेगा तो आप जो करोगे तो आपको भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी से कोई आपको फोर्स नहीं है कि आपको करना ही है तभी आपको आपकी सेल्फ इनकम मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अपनी सेल्फ इनकम लेके भी कर सकते हैं। खास करके इस बिजनेस में हाउस वाइफ और मात्र एक घंटा पर डे का देखे आप अपना जो भी सौ बंदे को जोड़ेंगे तो आपको 7 लाख की इनकम मिलेगी, मतलब 70,000 बंदे को जोड़ेंगे तो 70 लाख की भी इनकम मिलेगी। तो इस पे आपको आपके डिपेंड करता है कि आपको कितना इनकम लेना है। ये सारी की सारी इनकम आपको अभी तक मैंने कुछ भी बताया नहीं कि आपको कोई 1 रुपया भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कुछ खरीदना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सेकंड इनकम की तरफ। सेकंड इनकम जो है वो है सेल्स की इनकम, ठीक है। पहली इनकम होगी एड इनकम, एड इनकम कौन देती है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी देती है और यूरो में है इसलिए हमें वो ज्यादा लगता है लेकिन बहुत कम अमाउंट है। 60 एड्स देखने के लिए 2.74 यूरो मिलते हैं, यानी कि 1 एड देखने के लिए करीबन 0.04 पैसा 4 पैसे सीनियर को मिलते हैं रेफरल इनकम, यानी कि 8 पैसे में काम हो जाता है, ठीक है। तो अगर 1 करोड़ लोग अगर ऐड देखते हैं तो 1 करोड़ लोगों में करीबन 8 लाख का ही कंपनी को खर्चा होता है और उसमें अगर 10% भी अगर 20% भी अगर उनको मार्जिन है 100-100 रुपए की अगर खरीदी 1% भी लोग करते हैं यानी कि 1 लाख करते हैं तो करीबन उनको 20 लाख का फायदा होता है, उसमें से 8 लाख अगर निकल दिए तो करीबन 12 लाख का नेट प्रॉफिट हर महीने उनको हर दिन होता है, जी हाँ दोस्तों हर दिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉफिट उनको होता है। अगर हमको भी अगर इनकम मिलती जाएगी टाइम टू टाइम तो हम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे इनवाइट करेंगे और टीम अपनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड देखेंगे तो उनकी भी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, हमारी भी इनकम ज्यादा बढ़ेगी, इस तरह से साइकिल चलते रहेगा। ये हो गया एड इनकम। आगे बढ़ते हैं सेल्स इनकम। सेल्स इनकम क्या है तो कंपनी ने जैसे बताया कंपनी लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाली है और आज के डेट में प्री लॉन्चिंग में चल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी के पास कुछ भी न होते हुए भी आज कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिला के आप खड़े होना चाहते हैं इसलिए साइनअप बोनस के तौर पे कंपनी आपको 50 यूरो के शेयर्स देती है। 14 दिन का काउंटिंग चलता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो उस 14 दिन के काउंटडाउन में आप जितने भी लोगों को रजिस्टर मात्र और मात्र रजिस्टर करवाते हो आपको 50 यूरो के शेयर्स मिलते हैं। 50 यूरो यानी कितना हो गया इंडियन रुपीज में 4,250 रुपए की इनकम आपको मिलती है एज ए सेल्स इनकम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी बंदे को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उस बंदे से भी आपको 10 यूरो की सेल्स मिलते हैं। 10 यूरो के सेल्स यानी कि करीबन 850 रुपए के सेल्स आपको मिलते हैं। ऐसे
अगर 10 बंदे को आपने ज्वाइन कर दिया तो 10 बंदे को से आपको 850 यानी कि 8500 के सेल्स मिलते हैं। 10 बंदों की एक ग्रुप बन जाती है तो उस ग्रुप को एक नर्सरी जैसे एक ग्रुप कहा जाते हैं। 10-10 बंदों का जैसे ग्रुप होता है वैसे आपको 850 हर बंदे से यानी कि 10-10 यूरो तो मिले ही है, यानी कि 100 यूरो मिले, यानी कि 8500 यूरो के सेल्स तो आपको मिले ही है। लेकिन और 8500 के यूरो के सेल्स आपको और गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है क्योंकि आपने 10 लोगों की एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है रजिस्ट्रेशन करके। ठीक है, तो इसी तरह से हर 10 बंदे की ग्रुप में आपको 850 रुपए के 8500 के और सेल्स आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि ये सारी इनकम जो है वो आपको फ्यूचर सेल्स के तौर पर मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आप इस चीज में अभी मेहनत कर रहे हो, कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है, प्री लॉन्चिंग में है और मेहनत करते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो हर्जाना और कुछ ना कुछ तो आपको उसका इनकम मिलना चाहिए। तो अभी कंपनी ने ना हमने 1 रुपया भरा है ना कंपनी हमको 1 रुपया दे रही है, तो जो चीज है मेहनत कर रहे हो तो आपको एज ए फ्यूचर सेल्स के रूप में आपको ये इनकम दी जा रही है। जब दिन कंपनी लिस्टेड होगी उस दिन आपको ये फिजिकली मिलेगा। ठीक है, ये सारी इनकम लेने के लिए कंपनी में अपने आपको पर्सनल रिलेशन करके वेरीफाइड करना बहुत जरूरी होता है, जिसके बारे में आलोक जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है और इस पर बहुत सारे ऑफर भी है। आज के रेट में आज और कल आप अगर पर्सनल खुद की वेरिफिकेशन करते हो आपको 500 यूरो के सेल्स मिलते हैं। 500 यूरो के सेल्स यानी क्या होंगे? करीबन 42,500 के सेल्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके खुद की वेरिफिकेशन करने पे। वो भी कितने से? मात्र और मात्र 1000 के करीब। आपको 10 यूरो से आप वेरीफाइड करते हो अपने आपको तो आपको इतनी जब कंपनी लिस्टेड होगी तब आपको 50,000 से 60,000 की इसकी वैल्यू होगी और आप ये विड्रॉ भी कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी बंदे को आपके डाउनलाइन में जो भी बंदे हैं आपने जिसको जोड़ा है उनकी आप अगर पर्सनल वेरिफिकेशन करवाते हो तो उनको 500 यूरो के सेल्स मिलते हैं लेकिन आपको 200 यूरो के सेल्स मिलते हैं यानी कि करीबन 17,000 के सेल्स आपको मिलते हैं। तो इस तरह से आप जितने भी लोगों को ज्वाइन करवाएंगे उन पे आपको 17,000 के सेल्स मिलते जाएंगे और उनकी केवाईसी आप करते जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है केवाईसी करना। केवाईसी यानी पर्सनल वेरिफिकेशन। वर्ल्ड वाइड 200 से भी ज्यादा कंट्री में हजारों लाखों लोग ज्वाइंट हो रहे हैं और कंपनी को पता नहीं है कि कौन कहां से है। तो और ज्यादा जानना भी जरूरी होता है कि 1000 यूरो से भी ज्यादा की इनकम अगर आपको कंपनी दे रही है फॉरेन कंट्री की तो वो किस बंदे को दे रही है, आपकी एड जो दिखने वाली है वो कौन बंदा दिख रहा है, ये सारी जानकारी के लिए वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। जिससे क्या होता है कि ये पता चले कि जो बंदा है वो जेन्युइन है, इस कंट्री से है, उसका नाम ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ ये, उसका फोटो है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, और उस बंदे को हमने उनको एक टास्क दिया था कंप्लीट करने के लिए, उसके बावजूद में हमने कमीशन के रूप में 1000 यूरो ईयरली दिए है। इसका सर्टिफिकेट आपको भी लेना बहुत जरूरी है ताकि आप यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखा सके और अगर आपको टैक्स में मिलता है बैठते हैं तो टैक्स भर के आप अपने आपको लीगली साबित कर सके। तो आपके लिए भी और कंपनी के लिए भी, दोनों के लिए भी पर्सनल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, ये पहली बात। दूसरी बात है आपको शेयर्स मिलने वाले हैं तो शेयर्स लेने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो कंपनी आपको डीमैट अकाउंट खोल के उसमें शेयर्स डिपॉजिट करती है। तो इसलिए भी जानना बहुत जरूरी है कितने हजारों रुपए के शेयर्स आपको कंपनी देने वाली है, तो वो शेयर्स सही बंदे के हाथ में जाना चाहिए, किसी गलत बंदे के हाथ में नहीं जाना चाहिए और रिपीटेडली नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपको अपना पर्सनल वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है और डीमैट अकाउंट खोलने के लिए भी बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये भी आपको जरूरी होता है, इसलिए भी आपको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में कंपनी आपको एक डेबिट कार्ड मुहैया करती है, यहाँ पे आपको कंपनी की सारी कमीशन डिपॉजिट की जाएगी, आप जैसे विड्रॉ करेंगे तो उसमें होगी, लेकिन ये लॉन्चिंग के बाद होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको पर्सनल रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। इस तरह से आपको एक पर्सनल रजिस्ट्रेशन के जरिए आप इतने सारे काम कर सकते हैं और आपके लिए इतने सारे दरवाजे इनकम के खुल सकते हैं। तो ये हो पर्सनल रजिस्ट्रेशन 10 यूरो से यानी कि करीबन 1000 के करीब होता है, 980 के करीब होता है, तो ये चीज है 960-980 जैसा बैंक का चार्जेस है और रेट फ्लक्चुएट हर दिन होते रहते हैं, लेकिन 1000 रुपए आप अगर पकड़ के चलो तो भी 1000 रुपए में आपको हजारों करोड़ों रुपए की इनकम यहाँ से मिलती है। ये तो हमने मैंने आपको सिर्फ अभी दो ही इनकम के बारे में बताया, तीसरी इनकम है लास्टर बोनस की इनकम जो इससे अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। अगर वो इनकम आप नहीं लेना चाहते तो भी कोई बात नहीं, एड इनकम देके आप 7000 की इनकम हर महीने ले सकते हैं,
टीम बना के भी आप अपने रेफरल थ्रू ले सकते हैं। आपके फर्स्ट लेवल की ही रेफरल इनकम आपको मिलेगी, सेकंड लेवल पे आपके फर्स्ट लेवल वालों को मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एक ही लेवल की 100% इनकम आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं लाइफस्टाइल बोनस इनकम। लाइफस्टाइल बोनस इनकम को हम लोग मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड लाइफस्टाइल बोनस इनकम भी बोलते हैं, यानी कि हर महीने आपको ये